नीट की परीक्षा को दोबारा करवाने के लिए दिल्ली में छात्रों और उनके अभिभावक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच देरी से की जा रही है, अब तक तो सारे सबूत मिट गए होंगे, ऐसे में परीक्षा को दोबारा करवाना ही एकमात्र विकल्प बचा है। नीट पेपर में हुई धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र हैं, पीड़ित जो छात्र हैं, वो व उनके जो तमाम अभिभावक हैं, वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं री नीट आंदोलन, 24 लाख परिवारों को न्याय दो, नीट 2024 दोबारा करवाओ, पेपर लीक माफिया को फांसी का कानून बनाओ को लेकर के तमाम छात्र व उनके पेरेंट्स यहाँ मिलकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे लग रहे हैं कि जो एनटीए भ्रष्ट है, ताकि जो पूरा का पूरा एग्जाम है उसको वापिस रिकंडक्ट करवाया जा सके। ऐसे में बात करते हैं यहाँ पर, क्या मुख्य मांग लेकर के समय आप? सर, हमारी एक ही मांग है, आपने सीबीआई की जांच बैठा दी, आपके पटने का ईओयू यूनिट कहता है जले हुए पेपर मिले हैं, 32 लाख में जिसने पेपर खरीदा उसने माना कि पेपर के एक दिन पहले मुझे पेपर हटाया गया, तो मैं ये कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी अब किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकार ने सीबीआई जांच के लिए सरकार ने कह दिया, ऐसे में भरोसा नहीं है जो आप लोग प्रोटेस्ट? सरकार ने सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का तब बोला है जब इतना प्रेशर बना है, और अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसमें भी एक डेढ़ महीना लगेगा, तब तक हम लोग क्या करें? और तब जब हम लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का बोल रहे थे, तब हमें ये भी नहीं पता था कि और भी स्टेट्स में पेपर लीक हुआ है, जैसे कि गुजरात में और अभी झारखंड में भी पता चला है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि रीनीट जो है वही एक सोल्यूशन है। मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ और मैं धर्मेंद्र प्रधान से मिला, बड़ी अच्छी बात है कि बड़ा मीठा बोलते हैं, मिस्त्री से भी ज्यादा मीठा, लेकिन कर्म उनका मीठा नहीं लग रहा। बार बार यही कहते हैं लीक नहीं हुआ है, क्या अंधे को भी दिखता है? लोग कहते ना अंधे को भी दिखता है, और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की तो आंखें हैं, अब एक ही आशा बची है माननीय प्रधानमंत्री जी। तमाम जो पेरेंट्स हैं, तमाम पेरेंट्स यहां पर बैठे हुए हैं, तमाम स्टूडेंट्स हैं जो आगे की कतार में यहाँ पर बैठे हुए, सभी लोगों की मांग एक सिरे से ही है कि जो नेट का जो एग्जाम है उसे रिकंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि इन लोगों की का ये कहना है कि जो सीबीआई की जांच है वो सीबीआई की जांच देरी से शुरू की गई है और जितने भी सबूत हो सकते हैं, जो भी कुछ हो सकता है, वो हो सकता है जो आरोपी है उन लोगों ने मिटा दिए हों। ऐसे में भरोसा नहीं है इन लोगों का, भरोसा सिर्फ यही है कि जो नीट का एग्जाम है उसे पुनः करवाया जाए, उसे दोबारा करवाया जाए, ताकि इन छात्रों को जो ये लोग यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं, जो ये लोग सड़क पर बैठे हैं, जो ये लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इन लोगों को न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मणिदीप शर्मा। इटावा में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे एसपी के महासचिव शिवपाल।